हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप विंडोज 10 के अंदर एडवांस सर्चेस कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो टेक्निक मैं आप सभी को इस वीडियो में बता रहा हूँ, शायद ही आप सभी को इस टेक्निक के बारे में पता हो। ठीक है, हम जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, हम माई कंप्यूटर में जाके या किसी ड्राइव में या किसी फोल्डर के अंदर जाके जो है हम सर्च कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमें सर्च रिजल्ट्स जो है मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली सर्च कैसे करें कुछ एडवांस टेक्निक, तो ये चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपका टाइम तो बहुत ज़्यादा बचाएगा और आपकी प्रोडक्टिव स्पीड भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी पहले के मुकाबले। अब यहाँ पर देखिए, जनरली अगर आप सभी को कुछ सर्च करना होता है तो स्टार्ट में आप जैसे सर्च बार का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे मुझे पावर पॉइंट को सर्च करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा पावर पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट करके सर्च किया, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पावर पॉइंट सर्च किया या पावर करके सर्च किया, तो इससे रिलेटेड मेरे को और भी रिजल्ट्स जो हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एक ऐप को सर्च किया, लेकिन इसके साथ में मुझे सेटिंग्स भी शो हो रही है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मेरे को शो हो रही है। ऐसे में अगर आपको बहुत सारे सर्चेस दिखें तो काफ़ी ज़िगज़ैग सा हो जाता है और आदमी को थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको सर्च कैसे करना है, और कभी कभी उसको सही फाइल भी नहीं मिल पाती। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे आप इसको पर्टिकुलर एक अच्छे मैनर में कैसे सर्च करेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल से जानेंगे। अब मान के चलते हैं कि आपको किसी ऐप को सर्च करना है, तो आप आए यहाँ पर, लिखे आप ऐप्स, ठीक है, कॉलोन का साइन लगाइए, स्पेस दीजिए, और किस ऐप को आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे को वर्ड को सर्च करना है, तो देखिए जैसे मैंने वर्ड को ओपन किया, यहाँ पे वर्ड को टाइप किया, तो देखिए वर्ड की ऐप आई है। एक्स्ट्रा कोई भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं और सिर्फ यहाँ पे ऑफिस रिलेटेड चीज़ें ही आई है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। देखिए वर्ड आया है, ठीक है, वर्ड पैड आया है और ऑफिस आया है। एक्स्ट्रा कोई भी सर्चेस यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अगर इसी में मैं फ़ोटोशॉप सर्च करता हूँ, तो देखिए फ़ोटोशॉप मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो मैंने यहाँ पे ऐसी फ़ोटोशॉप किया, तो देखिए फ़ोटोशॉप यहाँ पे शो कर रहा है। एक्स्ट्रा कोई भी डिटेल जो है आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जो है रिसेंट फाइल्स शो कर रहा है, जो मैंने अभी फ़ोटोशॉप में रिसेंटली जो थंबनेल बनाए थे उसकी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी ऐप को या किसी एप्लीकेशन को सर्च करना हो, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि आपको सेटिंग्स में जाता है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको कोई सेटिंग को सर्च करना है, तो हम जनरली इस तरीके से सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार में, और नहीं तो हम ज़्यादा सारा क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च बार में हमने टाइप कर लिया, जैसे मेरे को वाईफाई की सेटिंग में जाना है, मैंने वाईफाई लिखा तो यहाँ पर मेरे को सेटिंग्स मिल गई। लेकिन फ्रेंड्स, ये तरीका एक अच्छा तरीका नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को विंडोज़ की सेटिंग्स में वाले जो ऑप्शन है जो मैं सर्च करूँ, अगर वहाँ पर वो अवेलेबल है तो ही मेरे को शो करे, वरना नहीं करे। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे सेटिंग्स, तो आपने यहाँ पे लिखा सेटिंग्स, लगाया कॉलोन, और उसके बाद आपको क्या सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाईफाई, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वाईफाई की सेटिंग्स आएंगी। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ हॉटस्पॉट, तो देखिए सिर्फ हॉटस्पॉट की यहाँ पे सेटिंग दिखा रहा है, और ये सिर्फ वही सेटिंग दिखा रहा है जो आपकी विंडोज 10 की ऑफिशियल सेटिंग्स है। एक्स्ट्रा सेटिंग्स यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी टेक्निक है, आप इस टेक्निक का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्चिंग टेक्निक मेरे को पर्सनली जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप सभी मान लीजिए अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं और आपको किसी फ़ोटो को सर्च करना है, तो यहाँ पर आप लिखिए फोटोज सेमी कॉलन, तो अब इसके बाद जो है आप फोटो का नाम देकर उसको सर्च कर सकते हैं, या तो उसको एक्सटेंशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं कि सिर्फ जेपीजी फाइल ही शो करे, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जेपीजी फाइल शो करेगी। ठीक है, या पीएनजी फाइल शो करानी है तो आप डॉट पीएनजी कर दीजिए, या तो आपको फाइल का नेम पता है तो फाइल के नेम के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है किसी फ़ोटो को या किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को सर्च करने का। अब मान लेते हैं कि मेरे को कुछ सर्च करना है, तो ऐसे टाइम पे जनरली होता क्या है, आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, फिर उसमें गूगल या बिंग को ओपन करते हैं, तब उसमें सर्च करते हैं, तब आपके पास सर्च रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने सर्च बार से सीधा लिखिए वेब, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाइए, स्पेस दीजिए, अब आपको क्या सर्च करना है तो यहाँ पर सर्च कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बिल गेट्स, जैसे मैंने यहाँ पे बिल गेट्स लिखा, तो देखिए बिल गेट्स के बारे में मेरे को बता दिया, वो भी ये जो रिज़ल्ट इसने दिया है मेरे को, ये ऑनलाइन रिज़ल्ट दिया है, ये मेरे को ऑफलाइन रिज़ल्ट नहीं है, ये रिज़ल्ट वेब का रिज़ल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दिया। अब मैं इसके आगे ऐसे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा वेब के आगे, तो जो है मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे जो भी इंटरनेट पे इसकी डिटेल्स है वो मेरे को यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई वेब के रिजल्ट्स आपको शो हो तो इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई फोल्डर्स हैं, तो यहाँ पर लिखिए आप फोल्डर्स, ठीक है, सेमी कॉलन लगाइए, सॉरी कॉलन का साइन लगाइए, स्पेस दीजिए और यहाँ पर आपको सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे को सिस्टम से जो है अभी दिखा रहा है कोई रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिस्टम का दिखा दिया, उसका पाथ कहाँ का दिखा रहा है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, वन ड्राइव का दिखा रहा है, ये क्लाउड सर्च भी साथ में जो है मेरे सिस्टम का जो है उठा रहा है। तो क्यों? क्योंकि मैंने सेटिंग्स में जाकर उसको इनेबल किया हो, इसलिए यहाँ से जो है उठा रहा है। तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी वन ड्राइव में फोल्डर वगैरह सर्च करना हो तो एकदम आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, फाइल का नाम दे के सर्च कर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा तरीका है, इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे म्यूज़िक है, अगर आपको म्यूज़िक सर्च करना है तो यहाँ पे आप लिखिए म्यूज़िक, लगाइए कॉलन का साइन, तो और उसके बाद आपका जो भी म्यूज़िक का फाइल नेम है वो यहाँ पे आप कर दीजिए। जैसे मेरे इसमें मैं MS Excel का देख लेता हूँ, तो देखिए MS Excel की मैंने अभी वीडियो बनाई थी, तो उसका जो MP3 है फॉर्मेट वो यहाँ पे है। तो इस तरीके से भी आप जो है सर्च कर सकते हैं, या तो .mp3 करके भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स जो है देखिए आपके सामने MP3 की आ जाएगी, जो कि फ्रेंड्स बहुत अच्छी टेक्निक है, इस टेक्निक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ आप वीडियोस के अंदर भी कर सकते हैं। चलिए अगर मान लीजिए कि आप जो है ईमेल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए ईमेल, ठीक है, यहाँ पे कॉलोन का साइन लगाइए और मान लीजिए आपको कोई ईमेल सर्च करना है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का। तो मैंने अपने केस में यहाँ पर मैं एक ईमेल जो है सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए JANARDHAN, मैं यहाँ पे जनार्दन लिखता हूँ, तो जनार्दन से रिलेटेड जितने भी ईमेल्स मेरे पास आ रखे हैं या मैंने भेजे हुए हैं उन सब की जो डिटेल्स जो है यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। आपको जो है वेब ब्राउज़र खोलने की ज़रूरत नहीं है या ऐप को बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फास्ट जो है रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी टेक्निक आपको बता रहा हूँ आई थिंक शायद ही आप सभी को इन बारे में पता हो, तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये तो हमारे कुछ लोकल सर्चेस थे और कुछ जो है हमारे वेब सर्चेस थे। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि अगर आपको अपनी लोकल ड्राइव में कुछ सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को अपनी एफ ड्राइव में कुछ सर्च करना है, तो क्या करना है आपको, सर्च को ओपन करना है, एफ़ के बाद कॉलन का साइन लगाना है, ठीक है, फिर फॉरवर्ड स्लैश, तो देखिए इसके अंदर जो जो से फोल्डर है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ गई है। जैसे मैं वीडियोस को पर क्लिक करूँगा तो वीडियोस वाला फोल्डर देखिए यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं फॉरवर्ड करता हूँ, नेक्स्ट जाता हूँ, तो इसके अंदर जो जो फोल्डर है वो आ जाएंगे। अब इसके बाद मैं इसके बाद फिर नेक्स्ट जाता हूँ, तो इसके अंदर जो जो फाइल्स हैं वीडियोज़ की वो मेरे सामने जो है शो हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप वीडियोस को सर्च कर सकते हैं या किसी भी फाइल को आप लोकल अपने कंप्यूटर में फोल्डर को एक्सेस करके यहीं से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, आपको बार बार ड्राइव को ओपन या क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में आप सभी को क्या चीज़ सबसे बढ़िया लगी ये चीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।